नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार की राजनीति में आज का दिन काफी खास रहने वाला है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अहम फैसला ले सकते हैं। जी, आपको बता दें कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच दूरी नजर आई। वहीं 3:30 बजे आज नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। तो चलिए खबर को विस्तार से जानते हैं। बिहार में सियासी संकट बना हुआ है। राजनीति में परिवारवाद पर नीतीश कुमार के बयान के बाद से ही आरजेडी और जदयू में तल्खी बढ़ गई है। पटना के गांधी मैदान में शुक्रवार को यानी कि आज गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भी दूरी दिखी थी। इसमें सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल हुए। 1.5 घंटे साथ भी रहे लेकिन दोनों बिना किसी बातचीत के निकल गए। यहां की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में आज का दिन काफी अहम हो सकता है। नीतीश कुमार दोपहर 3:30 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिलेंगे। ऐसी खबर है कि वो जदयू आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पर कोई फैसला ले सकते हैं। विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे सुबह लालू यादव से मिलने राबड़ी आवास भी पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक जदयू के सभी विधायकों को शाम तक पटना बुलाया गया है। उधर भाजपा ने अपने विधायकों को पटना पहुंचने को कहा है। पटना में भाजपा विधायक रात से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर बीते गुरुवार देर रात बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक हुई जो करीब 95 मिनट तक चली। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई है, नीतीश कुमार पर कोई बात नहीं हुई है। पटना में बीते गुरुवार शाम को एक अन्य मार्ग स्थित सीएम हाउस और राबड़ी आवास पर गहमा गहमी रही। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी आवास पर लालू और तेजस्वी ने अपने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। लालू यादव ने विधानसभा अध्यक्ष अवध नारायण चौधरी से फोन पर बात की तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी स्पीकर महेश्वर हाजरी से बात की, उनसे मुंबई दौरा रद्द कर पटना रहने को कहा। बिहार के राजनीतिक हालात पर राज्य के वित्त मंत्री बीते दिन और जदयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि मैं कल गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए बिहार शरीफ जा रहा हूं। सरकार में सब कुछ ठीक है इसलिए जा रहा हूं। बैठक करना पार्टियों का काम है, बिहार में फिलहाल सब कुछ ठीक है। वहीं दिल्ली में जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई आंच नहीं है। नीतीश जी का बयान लालू जी और सोनिया गांधी पर नहीं था, कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा में दिया गया बयान था। वहीं रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर कहा कि बच्चों को बड़े के मामलों में नहीं बोलना चाहिए। इधर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी देर रात राष्ट्रीय और प्रदेश के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीतिक गतिविधियों पर हमने भी नजर बना रखी है। बिहार की हालिया राजनीति को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से भी उनकी बातचीत हुई। हालांकि अभी इस मामले पर किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, जो भी होगा वो बिहार के हित में होगा। साथ ही आपको बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला बोला था, जिसके बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक एक्स पर 3 पोस्ट किए। उन्होंने नीतीश का नाम लिए बिना तंज कसा। हालांकि हंगामा मचने पर उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिए। जैसा कि आपने सुना कि आज बिहार की राजनीति में आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नीतीश कुमार अहम फैसला ले सकते हैं। दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात करेंगे और सूत्रों के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्यपाल से जब मुलाकात करेंगे तो वो जदयू राजद और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। और जदयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाने का आदेश भी दिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।